हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जनवरी और फरवरी 2023 के स्पोर्ट्स इवेंट्स का डिस्कशन करेंगे और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं जो 2023 में होंगे। तो फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है करंट अफेयर्स का, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कंटेंट हमने बाइलिंगुअल रखा है फ्रेंड्स। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, आरसीबी रोब्ड हुम एज अ टीम मेंटर फॉर इनॉग्रल वुमेन्स प्रीमियर लीग। आरसीबी ने महिला प्रीमियर लीग के उद्घाटन के लिए टीम मेंटर के रूप में किसे अनुबंधित किया है? ऑप्शंस हैं स्मृति मंधाना, सानिया मिर्जा, पीवी सिंधु, मैरी कॉम। फ्रेंड्स, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, सानिया मिर्जा को आरसीबी के इनॉग्रल वुमेन्स प्रीमियर लीग के मेंटर के रूप में चुना गया है। जैसा कि आप सभी को पता है, पहली बार वुमेन्स की भी आईपीएल होने वाली है फ्रेंड्स, उसके लिए आरसीबी के मेंटर के रूप में सानिया मिर्जा को नियुक्त किया गया है। ये एक टेनिस प्लेयर हैं। क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट इंडियन कैप्टन टू स्कोर अ सेंचुरी अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स। निम्नलिखित में से कौन से सभी प्रारूपों में शतक बनाने वाले पहले भारतीय कप्तान बने हैं? ऑप्शंस हैं विराट कोहली, एमएस धोनी, सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, रोहित शर्मा पहले ऐसे कप्तान बन गए हैं जिन्होंने T20 में, ODI में, टेस्ट में, तीनों फॉर्मेट में फ्रेंड्स शतक लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान बन चुके हैं। हाल ही में जो सीरीज चल रही थी, टेस्ट सीरीज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में फ्रेंड्स, उनमें इन्होंने शतक जड़कर ये पहले ऐसे कप्तान बन चुके हैं। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर थ्री है, विच टीम हैज़ वॉन द फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2022 टाइटल। किस टीम ने फीफा क्लब विश्व कप 2022 का खिताब जीता है? ऑप्शंस है रियल मैड्रिड, लिवरपूल, अल हिलाल या नन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर फीफा क्लब वर्ल्ड कप की बात की जा रही है, ये वाला वर्ल्ड कप नहीं है कतर वाला। अगर हम उसकी बात करें फ्रेंड्स, तो उसके विजेता थी अर्जेंटीना की टीम। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करेंगे तो रियल मैड्रिड है जो फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2022 टाइटल का विजेता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उससे पहले जान लेते हैं, हम लोग ने एक बुक बनाई है जो कि ईयरली करंट अफेयर्स बुक है, जनवरी 2022 से लेकर 23 फरवरी 2023 तक अपडेटेड बुक है, जिसमें 2500 से प्लस क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स। टॉपिक आप देख सकते हैं अवार्ड्स, स्पोर्ट्स का अपॉइंटमेंट, एक्सरसाइज, नेशनल इवेंट्स, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं। बायलिंगुअल है बुक फ्रेंड्स, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। अगर आपको ये बुक अच्छी लग रही हो तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इसको पढ़ सकते हैं। काफ़ी अच्छे बुक है, तो वहाँ से आके आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं फ्रेंड्स अपने टॉपिक की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर है, इंडियन रेसलर अमन शेरावत विंस विच मेडल एट जागरेब ओपन 2023। भारतीय पहलवान अमन शेरावत जो कि जागरेब ओपन 2023 में कौन सा पदक जीते हैं फ्रेंड्स? गोल्ड जीते हैं, सिल्वर जीते हैं, ब्रॉन्ज जीते हैं या कोई पदक नहीं जीते हैं? तो फ्रेंड्स, ये ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इनके हाथ में ब्रॉन्ज मेडल है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जागरेब ओपन में फ्रेंड्स इंडिया का कोई पहलवान जीता है जिसका नाम है अमन शेरावत, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है जो कि एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फाइव है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ वन इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप 2023। निम्नलिखित में से किसने इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप 2023 जीती है? ऑप्शंस हैं साई संजय, चिराग गोड़पाड़े, अर्जुन बालू, के ई कुमार। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये साई संजय हैं जिन्होंने इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप 2023 के विजेता रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग जिमनास्ट हैंडेड 21 मंथ्स बैन आफ्टर फॉलिंग डोपिंग टेस्ट। निम्नलिखित में से किसे जिमनास्ट ने डोप टेस्ट में विफल होने के बाद 21 महीने का प्रतिबंध लगा दिया है? तो फ्रेंड्स, काफ़ी प्रसिद्ध हैं, काफ़ी न्यूज़ में रही हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है फ्रेंड्स। ये दीपा कर्माकर हैं जो इंडियन जिमनास्ट हैं, तो इनको बैन कर दिया गया है 21 महीने के लिए फ्रेंड्स, ये एंटी डोपिंग टेस्ट में फेल हो चुकी थी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल होस्ट द फुटबॉल एशियन कप 2027। निम्नलिखित में से कौन सा देश फुटबॉल एशियाई कप 2027 की मेज़बानी करेगा? फ्रेंड्स, 2027 की बात करी जा रही है, जितने भी अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं मैंने आपको एक सेपरेट वीडियो में पढ़ा दिया है दोस्तों, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख सकते हैं। हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं, फुटबॉल एशियन कप 2027 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? UAE करेगा, साउथ अफ्रीका, इंडिया, सऊदी अरेबिया। तो फ्रेंड्स, सऊदी अरेबिया में इसका आयोजन होगा, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं, जोगिंदर शर्मा हैज़ अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट रिसेंटली, ही वॉज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। जोगिंदर शर्मा हाल ही में अपनी
सेवानिवृत्ति की घोषणा कर दी गई है, वह किस खेल से संबंधित थे दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिकेट से संबंधित थे। इंडिया टीम के काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स ये बॉलर थे, आप इनको देख सकते हैं, इन्होंने रिटायरमेंट ले ली है। आगे चलिए बात करते हैं, विच स्टेट हैज़ वन द फर्स्ट नेशनल बीच सॉसर चैंपियनशिप हेल्ड एट दुमास बीच सूरत? दुमास बीच सूरत में आयोजित पहली राष्ट्रीय बीच सॉसर चैंपियनशिप किस राज्य ने जीती है? दोस्तों अगर आपसे एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पहली नेशनल बीच सॉसर चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुई थी, कहाँ खेली गई थी, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दुमास बीच सूरत में इसका आयोजन हुआ था। अगर हम बात करें कौन विजेता था, ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरल, तो फ्रेंड्स केरला की टीम ने ये चैंपियनशिप अपने नाम करी है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच सिटी विल होस्ट द थर्ड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स? खेलो इंडिया विंटर गेम्स का तीसरा संस्करण की मेजबानी कौन सा शहर करेगा दोस्तों, कौन सा राज्य करेगा? ऑप्शन है जम्मू एंड कश्मीर, बेंगलुरु, हैदराबाद, चंडीगढ़। तो फ्रेंड्स नाम से ही आपको दिख रहा होगा विंटर गेम्स ठंडी जगह पर ही खेले जा सकते हैं, जैसे आइस स्केटिंग हो गई, आइस हॉकी हो गई। तो फ्रेंड्स ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू एंड कश्मीर। आगे चलते हैं, हु बैग्ड द इनॉग्रल शेन वॉन अवार्ड एज द टेस्ट मेन्स टी ट्वेंटी टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर? फ्रेंड्स शेन वॉन अवार्ड किसको दिया गया है मेन्स टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का? तो वर्ष के पुरुष टेस्ट खिलाड़ी के रूप में उद्घाटन शेन वॉर्न पुरस्कार किसने प्राप्त किया है? ऑप्शंस हैं स्टीव स्मिथ, पैट कमिंस, उस्मान ख्वाजा, डेविड वार्नर। तो फ्रेंड्स काफ़ी प्रतिभाशाली खिलाड़ी उस्मान ख्वाजा को ये पुरस्कार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, विच बॉलर हैज़ बिकम द हाईएस्ट विकेट टेकर फॉर टीम इंडिया इन टी20 क्रिकेट हिस्ट्री? कौन सा गेंदबाज टी20 क्रिकेट इतिहास में टीम इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज बन गया है? ऑप्शंस हैं आर अश्विन, युजवेंद्र चहल, हार्दिक पांड्या या जसप्रीत बुमराह। फ्रेंड्स आप इनको देख पा रहे हैं ये इंडिया के नंबर वन बॉलर बन गए हैं, सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले बन गए हैं टी20 फॉर्मेट में, तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लेयर हैज़ वन द रेजिल होय फ्लिन ट्रॉफी फॉर ICC वुमेन्स क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022? किस खिलाड़ी ने वर्ष 2022 की ICC महिला क्रिकेट के लिए रेजिल होय फ्लिन ट्रॉफी जीती है? ऑप्शंस हैं स्मृति मंधाना, नैट स्कीवर, निदादार, थालिया मैग्राथ। तो फ्रेंड्स नेट स्कीवर को रेचल होवे फ्लिन ट्रॉफी 2022 के वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि रेचल होवे फ्लिन ट्रॉफी से काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, इंडिया डिफीटेड विच कंट्री टू विन द फर्स्ट एडिशन ऑफ अंडर 19 वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप? भारत ने अंडर 19 महिला टी20 विश्व कप का पहला संस्करण किस देश को हराकर जीता है? फ्रेंड्स ये इंडिया ने पहला संस्करण जीता है, काफ़ी बड़ी बात है, तो फ्रेंड्स इससे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर बनेंगे। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड को हराकर इंडिया ने ये खिताब अपने नाम किया है, अंडर 19 वुमेन्स क्रिकेट टीम है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, विच एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 हैज़ बीन स्टार्टेड इन भोपाल, मध्य प्रदेश? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का कौन सा संस्करण भोपाल, मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है? ऑप्शन है सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो दोस्तों पांचवा संस्करण भोपाल मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। हु हैज़ वन द ऑस्ट्रेलियन ओपन मेन सिंगल टाइटल 2023 बाय डिफीटिंग स्टेफानोस तिस्तिपास? स्टेफानोस तिस्तिपास को हराकर ऑस्ट्रेलिया ओपन पुरुष एकल का 2023 का खिताब किसने जीता है? दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, जितने भी ओपन होते हैं फ्रेंड्स टेनिस के वो सारे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। इसके ऑप्शंस हैं फ्रेंड्स नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, रॉजर फेडरर, कार्लोस अल्कराज। तो फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलियन ओपन मेन सिंगल का टाइटल नोवाक जोकोविच ने अपने नाम किया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, हम अगर बात करेंगे कि ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता है, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी, आर्यन सबलेनका ने यह खिताब अपने नाम किया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ वन FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप इन भुवनेश्वर? तो फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी को पता है कि 2023 में ही भुवनेश्वर में FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप खेला गया था, इसके विजेता कौन सी टीम रही है? तो जैसा कि आप देख रहे हैं जर्मनी की टीम फ्रेंड्स इसकी विनर रही है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 है,
हु हैज़ वन द इंडियन ओपन 2023 मेल सिंगल टाइटल इन बैडमिंटन चैंपियनशिप। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इंडियन ओपन की बात करेंगे, ऑस्ट्रेलियन ओपन हम लोग देख चुके हैं। इंडियन ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने अपने नाम किया है दोस्तों? तो ये हैं ऑप्शन नंबर ए कुलनवुत वितिदर्शन है, जैसा कि आप इनको देख पा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, कहाँ से ये बिलोंग करते हैं फ्रेंड्स? ये थाईलैंड से बिलोंग करते हैं, इन्होंने विक्टर एक्सलेन को हरा कर ये खिताब नाम किया है। अगर महिला एकल की बात करेंगे फ्रेंड्स इंडियन ओपन 2023 की, तो एन सी यंग जीती हैं जो कि साउथ कोरिया से बिलोंग करती हैं। आगे चलेंगे, कौस्तव चटर्जी बिकेम डैश ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। कौस्तव चटर्जी भारत के कौन से नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं? 77वें, 78वें, 76वें, 75वें? तो दोस्तों ये हमारे भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। आगे चलेंगे फ्रेंड्स, ये 19 वर्षीय हैं जो कि वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं, वेस्ट बंगाल से ये 10वें ग्रैंड मास्टर हैं भारत के। क्वेश्चन नंबर 21 है, कोनेरू हम्पी वॉन विच मेडल एट द वर्ल्ड चेस ब्लिट्स चैंपियनशिप 2022। विश्व शतरंज ब्लिट्स चैंपियनशिप 2022 में कोनेरू हम्पी ने कौन सा पदक जीता था, स्वर्ण, कांस्य या रजत? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है यानी कि रजत पदक। फ्रेंड्स ये विश्वनाथन आनंद के बाद पहली महिला बन चुकी हैं जिन्होंने ब्लिट्स चैंपियनशिप में कोई पदक जीता है। तो ये फ्रेंड्स कहाँ हुई थी चैंपियनशिप? अलमट्टी कजाकिस्तान में इस चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22 है, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम दोस्तों उड़ीसा में स्थित है, यहीं पर आपका जो FIH वर्ल्ड कप हुआ था हॉकी का यहीं पर खेला गया था दोस्तों। आगे चलेंगे, ये कहाँ पर स्थित है? सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट रौकेला में स्थित है। इसका उद्घाटन नवीन पटनायक ने किया था जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ये हमारे भारत का सबसे बड़े स्टेडियम में से एक है जहाँ पर मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 की मेज़बानी करी गई थी। आगे चलते हैं दोस्तों, ब्लेंडा क्लार्क बिकेम फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर टू हैव स्टैचू कास्ट एट सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, सी बिलोंग्ड टू विच कंट्री? ब्लेंडा क्लार्क सिडनी ग्राउंड पर इनकी स्टैचू लगने वाली ये पहली खिलाड़ी बन चुकी हैं, यह किस देश से संबंधित हैं? दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया से संबंधित हैं, ऑप्शन नंबर बी। ये पहली ऐसी क्रिकेटर हैं जिनकी एक स्टैचू लगी है स्टेडियम में। हु बिकेम 79th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया, भारत के 79वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रणेश एम बने हैं। कौस्तव चटर्जी दोस्तों 78वें हैं जैसा कि अभी हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, तो 78 हो जाएगा। हु वन एडिलेड इंटरनेशनल मेन्स सिंगल टाइटल, एडिलेड अंतर्राष्ट्रीय पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंड्स दोनों ही टाइटल, अभी हमने बात करी थी ऑस्ट्रेलियन ओपन की और यहाँ पर एडिलेड इंटरनेशनल मेन सिंगल का टाइटल भी नोवाक जोकोविच ने अपने नाम किया है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे फ्रेंड्स, उससे पहले जान लेते हैं इन्होंने किसको हराया है, अमेरिकन सेबेस्टियन को हराया है। वुमेन सिंगल का खिताब किसने जीता है? अरेनका सबलेनका ने जीता है। फ्रेंड्स ये भी वही हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब अपने नाम किया है। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच प्लेयर हैज़ बिकम फास्टेस्ट प्लेयर टू रीच 1500 रन्स इन T20? कौन सा खिलाड़ी T20 में सबसे तेज 1500 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? ऑप्शन है सूर्य कुमार यादव, बाबर आजम, विराट कोहली, शुभमन गिल। तो फ्रेंड जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं ये सूर्य कुमार यादव हैं, इंडिया के लिए काफ़ी प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं, तो ये सबसे तेज़ 1500 रन बनाने वाले T20 में पहले खिलाड़ी बन चुके हैं। हु हैज़ बीन अवार्डेड एज द ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर दिसंबर 2022? फ्रेंड्स दिसंबर 2022 के ICC प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए किसे चुना गया है? तो फ्रेंड ये हैरी ब्रूक्स हैं जो कि इंग्लैंड के प्लेयर हैं, आप देख सकते हैं इन्हें, ही इज़ एन इंग्लैंड प्लेयर। अगर वुमेन्स की बात करें फ्रेंड्स तो ICC क्रिकेटर वुमेन्स ऑफ द मंथ कौन चुना गया है दिसंबर का? तो फ्रेंड्स वो एसलेग गार्डनर हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर हैं। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 28 है, फेमस फुटबॉलर गैरेथ फ्रैंक बेल हु टुक रिटायरमेंट फ्रॉम फुटबॉल बिलोंग्स टू विच कंट्री? फ्रेंड्स फुटबॉल से संन्यास लेने वाले प्रसिद्ध फुटबॉलर गैरेथ फ्रैंक बेल किस देश के हैं? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी वेल्स से ये संबंधित हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, ड्वेन प्रेटोरियस हु टुक रिटायरमेंट रिसेंटली बिलोंग टू विच स्पोर्ट? ड्वेन प्रेटोरियस जिन्होंने हाल ही में संन्यास लिया है वो किस खेल से संबंधित हैं? तो फ्रेंड्स ये क्रिकेटर हैं जो कि साउथ अफ्रीका के बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, हु इज़ द यंगेस्ट बैट्समैन टू हिट डबल सेंचुरी इन वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट?
एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज दोस्तों कौन बन चुके हैं। वैसे तो इंडिया के कई सारे प्लेयर्स ने डबल सेंचुरी लगाई है, लेकिन दोस्तों सबसे कम उम्र के डबल सेंचुरी लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? ऑप्शन हैं ईशान किशन, हैरी ब्रूक्स, कैमरॉन ग्रीन, शुभमन गिल। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये शुभमन गिल हैं जो सबसे कम उम्र के भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने दोहरा शतक लगाया है वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो फ्रेंड्स, ये आज का हमारा सेशन था। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में।